मुखर संवाद की ओर से आप सभी दर्शकों और पाठकों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड में बालू, पत्थर और लोहा और कोयला की लूट मची हुई है। तस्करी के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके दलालों का जेब भरा जा रहा है। आप ये सोच सकते हो किस प्रकार से इस राज्य में, ये तो एक दो महीने बाद की और ये तो पूरे राज्य में ही, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, चाहे लोहा हो, खाली लूट ही लूट मची हुई, यहाँ तक कि जमीन की भी लूट हो रही है। तो आज जो ये सरकार की खजाना में पैसा नहीं जा रहा है, हेमंत सोरेन के खजाना में पैसा जा रहा है, उनके बिचौलिया और दलालों के खजाने में पैसा जा रहा है। अब इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब इसकी जांच के लिए लोग कोर्ट में केस करते हैं तो आप देखते होंगे कि दिल्ली से बड़े बड़े वकीलों को, फौज को खड़ा करते हैं, जो कोई सोच भी नहीं सकता है कि इतनी अधिक फी कहाँ से लगाए जा रहे हैं, क्यों इतने मुख्यमंत्री डरे हुए। तो अब समझ में आ रहा है कि इस राज्य को इन 32 महीना हो गया सरकार को बने हुए, तो 32 महीनों में काम तो बिजली की ना सुधरी है झारखंड में, ना ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें सुधरी है, ना कुछ अस्पताल सुधरा है। अच्छा, वो क्यों परेशान है? इसका मतलब तो गड़बड़ किए हुए हैं, तभी ना उनको इतना चिंता है। जब कोई चोरी कर किया हुआ रहता है तो कहीं कोई घुसा हुआ रहता है तब भी उनका जो क्या बोलते हैं दिल जो होता है ना, भुक भुक करता है। अगर वो कोई गड़बड़ ही नहीं किए हुए रहते तो वो परेशान नहीं होते, फिर रांची से रायपुर की विधायकों की सैर कराने की उनको जरूरत नहीं पड़ती, खूंटी के लचड़ागढ़ को डैम वहाँ या नौका विहार करने की उनको जरूरत नहीं पड़ती। सामान्यतया जो विश्वास मत होता है या तो गवर्नर कहते हैं या कोर्ट का निर्देश होता है, तभी कोई विश्वास मत के लिए सदन बुलाते हैं, लेकिन झारखंड सरकार ने अपने मन से बुला दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि वो खुद गड़बड़ किए हुए, तो खुद डरे हुए हैं, उनको पता है जिस दिन भी खुलेगा तो फिर उनकी कुर्सी जाना ही। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।